फ्रेंड्स, दिस इज़ हेवन हार्वेस्ट नर्सरी ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड सेक्टर 62 गुरुग्राम। आप ये देख सकते हैं इतना प्यारा सा ड्रैको रसीना प्लांट, फुल्ली इंडोर प्लांट है। तो अगर आपको इंडोर प्लांट्स रखने का बहुत शौक है तो छोटे छोटे हम जनरली पोथोस, एग्लोनिमा रखते हैं और एरिका पाम हम सबका फेवरेट है ही, बट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लांट जो बहुत अच्छे से इंडोर चलता है और आप इसको आराम से इंडोर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी शेड में भी आप रख सकते हैं। अगर आप इंडोर रखते हैं, सपोज़ आपकी कभी पत्तियां थोड़ी विल्ट होते हुए दिखाई दें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी दिन शाम को बाहर निकाल दें, अगले दिन 11-12 बजे से पहले पहले इसे अंदर ले लें, उतनी सनलाइट उतना फ्रेश एयर इसके लिए काफ़ी है। और फिर से आप इसे अपने किसी भी कॉर्नर में रखें, काउच के बगल में रखें, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इसको पानी भी बहुत कम देना है, जैसे जनरली हम कैक्टस, स्नेक प्लांट इन सब में सक्यूलेंट्स बहुत कम पानी देते हैं, अदरवाइज़ उनकी रूट्स गल जाती हैं। ऐसे ही ये आप देख सकते हैं इसकी स्टेम एकदम हार्डी है, बट फिर भी अगर आप ओवर वाटर करेंगे तो ये सड़ने का, इसकी रूट्स गलने का प्रॉब्लम आता है। तो आप एक हफ्ते में, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, इसे आप एक हफ्ते में एक बार पानी दें बस। जब आपको लगे कि ये मिट्टी एकदम ही सूख गई है, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, एकदम ही हार्ड है इसकी मिट्टी, उसके बाद भी दो दिन रुक के ही पानी देंगे। तो इसमें पानी, अगर सपोज़ आप कभी ये पौधे को छोड़ के एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए आप कहीं बाहर भी चले जाते हैं वेकेशंस में, तो भी आपके इस पौधे को कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बना रहेगा। तो दिस इज़ अबाउट वाटरिंग, इसको शेड में रखना है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग प्लांट है, परमानेंट पौधा है, लंबे समय तक रहेगा अगर आप थोड़ा सा पानी का ख्याल रखेंगे। वर्मी कंपोस्ट आप चाहें तो 20 से 25 दिन में एक बार मुट्ठी भर ऐसे आप डाल दीजिए, और जब आप पानी देंगे तो पानी के साथ वो ऑटोमेटिकली मिट्टी के अंदर मिल जाएगा और ये पौधे को अच्छे से केयर करेगा। इसमें सिर्फ एक रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम आती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही प्यारा पौधा है ये पौधा। अगर आप हेवन हार्वेस्ट नर्सरी में, जो कि गुड़गांव सेक्टर 62 में है, लेने आएंगे तो आपको कितने का पड़ेगा बताइए? 7,000। तो ये आपको मिलेगा 7,000 रुपीज़ में। तो अगर आप इंडोर प्लांट्स के शौकीन हैं एंड रादर देन कीपिंग छोटे छोटे पौधे 10, एक बड़ा ग्रैंड लुक देना चाहते हैं तो दिस प्लांट इज़ फॉर यू। सो व्यूअर्स, आई होप ड्रैको रसीना के बारे में आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस पौधे को अपने घर में ज़रूर इंक्लूड करें। वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट, कुछ नहीं चाहिए इसको आपसे, सिर्फ आपके घर में स्पेस चाहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।